एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी स्वयं भंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर योर टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। द टॉपिक इज इशू of debentures as collateral security. The topic of day is issue of debentures as collateral security. Collateral security means किसी चीज़ को गिरवी रखना, किसी चीज़ को गिरवी रखना collateral security होता है। तो हम खोया कि कंपनी को लोन चाहिए सी, basically इन्दे च दो एंट्रियां बनती हैं इस टॉपिक के बीच। कंपनी को लोन चाहिए सीगा, कंपनी ने की करिया HDFC बैंक तो सपोज लोन लिया, एंट्री की पाऊगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। सपोज HDFC बैंक तो लोन लिया 5 लाख का, एंट्री पाऊगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, वैल्यू विल बी 5 लाख का लोन लिया 5 लाख। उस तो बाद लोन बैंक ने हमें तो दे नहीं देता, मेरे रिश्तेदार मेरे मामे भूआ चाचे किसी का बैंक तो है नहीं है कंपनी से, तो कंपनी एवं बैंक उन्होंने तो एवं ले लोन नहीं देने वाला। मीनस कंपनी ने HDFC बैंक तो लोन लिया, तो हूँ HDFC बैंक तो कंपनी कोई रिश्तेदार नहीं है, HDFC बैंक कंपनी को एवं लोन नहीं दे देगा, कोई चीज़ गिरवी रखने लिए कहेगा। एंड कंपनी ने डिबेंचर्स गिरवी रखते, वैसे बेसिकली असं डिबेंचर्स लोगों तो पैसे इकट्ठे करने लिए इशू करते, बट कंपनी ने बैंक तो लोन लेने लिए डिबेंचर्स गिरवी रखते। जितने परसेंट डिबेंचर्स क्या होगा, जो 7% डिबेंचर है तो 2-7% 8% भी क्या हो सकता है, या कुछ भी नहीं क्या होगा तो 2 कला डिबेंचर्स लिख दो, मीन्स डिबेंचर्स इशू करे गिरवी रखे। वैसे तो असं डिबेंचर्स पैसे लिए इशू करी दे, बट इतने असं गिरवी रखने लिए इशू करते। एंट्री की पेगी डिबेंचर सस्पेंस। सस्पेंस मीनस जो असं डिबेंचर जिस मकसद लिए पैसे इकट्ठे करने लिए करते हैं वह नहीं है, मीनस ये सस्पेंस कुछ होर ही मकसद है, इसलिए डिबेंचर सस्पेंस लिखता। डिबेंचर सस्पेंस टू जिन्ने परसेंट डिबेंचर होंगे, सपोज डिबेंचर गिरवी रखे 3 लाख के, 3 लाख के डिबेंचर गिरवी रख के बैंक तो 5 लाख का लोन मिल गया, ये जनरल एंट्री सी। हुण बैलेंस शीट के किवें शो करना उसनों देखिए, पेपर के आ जाता इस चीज़ में हाउ यू विल बी गोइंग टू रीप्रजेंट इन द बैलेंस शीट। इस कंसैप्ट को ध्यान न देखना, when you are going to represent this thing in balance sheet you have to prepare the note, two notes of balance sheet. Note number 1 means puri balance sheet ta ban nahi sakdi, extract hi banega, means unda note ban raha. Note number 1 is long term borrowings, means debentures te bank loan long term borrowings chahnde ne, so note number 1 long term borrowings. So लोंग टर्म बोरविंग्स वाला जो तो मैं नोट बना रहा, तेन ध्यान देखियो अपने को आऊगा इतने पर्टिकुलर्स अमाउंट, फॉर्मेट भी पूरा होना चाहिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड बैंक लोन इज योर कर्जा, किन्ने का बैंक लोन लिया 5 लाख का, इतने मैं 5 लाख लिखता। डिबेंचर आर ऑलसो लोंग टर्म बोरविंग्स, डिबेंचर लिखे किन्ने परसेंट डिबेंचर ने, 7% डिबेंचर्स, सो 7% डिबेंचर्स, 3 लाख के डिबेंचर्स इशू करे तो बिना मीनस गिरवी रखने लिए करे, मीनस डिबेंचर्स असल साडे लिए कर्जा नहीं है, इसलिए लैस डिबेंचर सस्पेंस, असं इतने डिबेंचर सस्पेंस कर देवे। वैसे तो कर्जा ही होंगे पर इस सिचुएशन च कर्जा नहीं है क्योंकि असं जस्ट गिरवी रखे, सो डिबेंचर सस्पेंस है तो माइनस हो गए, बस शो जरूर करने 3 लाख माइनस 3 लाख 0, मेरे को टोटल इतने आ गया इतने 5 लाख। सो मेरा लॉन्ग टर्म बोरविंग्स वाला नोट खत्म हो गया। हूँ नोट नंबर 2 बनेगा इससे क्वेश्चन, करंट एसेट्स वाला। नोट नंबर 2 करंट एसेट्स वाला बन जाएगा, मेरे बैंक के पैसा आ गया 5 लाख तो मेरा करंट एसेट बन गया, मेरे बैंक के पैसा आ गया 5 लाख, दैट इज करंट एसेट। मैं इतने लिख दाँगा करंट एसेट्स, इतने करंट एसेट नोट नंबर 2 करंट एसेट्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड हेयर आई विल राइट कैश, कितना मेरे को कैश आ रहा है बैंक से, पैसा आ रहा है कितना आ रहा है बैंक से, पैसा
5 लाख, मैं इतने लिख दागा 5 लाख, दैट्स इट। इतने टोटल 5 लाख, क्वेश्चन खत्म हो गया, दैट्स इट। हुन इससे क्वेश्चंस में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहूँगा, थोड़े नज़र नहीं आ रहे, मैं थोड़े लिए एडजस्टमेंट कर दा। सो करंट एसेट्स के 5 लाख आ जाए, उसी इतना लिख दो 5 लाख। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर तुम कह दें कि कंपनी ने डिबेंचर्स थोड़ी जी मॉडिफिकेशन के क्वेश्चन हो जाए, वो कह दें कि असी डिबेंचर्स इशू करे टोटल 8 लाख दे, ते गिरवी रखे 3 लाख दे, बस क्वेश्चन से कह रहे मीनस पहला तो हले नॉर्मल सिचुएशन की कर 5 लाख का लोन लैन ले, 3 लाख के डिबेंचर्स गिरवी रखते, तो इतना जो कंपनी ने डिबेंचर्स 8 लाख के इशू करते तो 3 लाख के गिरवी रखे, मीनस लोगों तो पैसा 5 लाख मीनस सपोज 9 लाख लग लिखता, कंपनी ने 9 लाख के डिबेंचर्स इशू करे जिंदे जो 3 लाख गिरवी रखे 5 लाख का लोन लैन ले, हूँ बाकी किन्ने रह गए 6 लाख, मीनस 6 लाख जनता नूं वेचे, इत्थे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो जनता नूं डिबेंचर्स वेच के 6 लाख आ गया, 3 लाख गिरवी रखते। सो 9 लाख के डिबेंचर्स इशू करे जिंदे चो 3 लाख के असी गिरवी रखते, 6 लाख साढ़े बैंक खाते च आया, हूँ इत्थे भी चेंज होएगा, बैंक लोन तो 5 लाख का ही लिया, डिबेंचर्स किन्ने इशू करे असी हूँ इस सिचुएशन के, सैकेंड सिचुएशन जी मैं तुम्हें दसी है, हूँ असी डिबेंचर्स इशू करे 9 लाख के, जिंदे चो गिरवी किन्ने रखे 3 लाख के, इत्थे बाहर आ जाऊंगा 6 लाख, 9 माइनस 3 6, तो टोटल किन्ना हो गया 11, इतने 5 लाख ही आए, इतने 5 लाख नहीं आएगा, 5 लाख तो बैंक लोन वाला आ गया जो बैंक खाते च आया, उस तो इलावा साढ़े की कहते हैं कस्टमर मीनस साढ़े डिबेंचर होल्डर ने सूँ कि दिता 6 लाख, 5 लाख तो बैंक ने दिता बैंक लोन वाला साढ़े बैंक खाते, उस तो इलावा जनता को कि पैसा आ गया डिबेंचर इशू करके 6 लाख, इतने 11 लाख। सो दोनों सिचुएशन थानू मैं दस दते हैं।